Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the next portion of neoplasia, that is benign and malignant tumors. देखिए हम लोगों ने इसका nomenclature और introduction इन दोनों tumors का पढ़ लिया था. अब हम इन दोनों में difference पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत important होता है इन दोनों का difference और आपके अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इवन 9 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पैथो के अंदर बिनाइन मैलिग्नेंट का डिफरेंस का क्वेश्चन बनता है. तो देखिए हालांकि हम जनरल इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी बिनाइन की जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है. स्मूथ क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, वो एनकैप्सुलेटेड होती है ग्रोथ, जबकि मैलिग्नेंट तो कैप्सूल होता ही नहीं है, इसलिए ये इरेग्युलर ग्रोथ होती है. रेट ऑफ ग्रोथ बिनाइन काफ़ी स्लोली और एक्सपेंसाइली ग्रो करता है, जबकि मैलिग्नेंट ग्रोथ जो है वो रैपिड और इरेटिक होती है. कैप्सूल बिनाइन में पाया जाता है, वेल कैप्सुलेटेड वेल डिफाइंड कैप्सूल बिनाइन में होता है, जबकि मैलिग्नेंट में कोई कैप्सूल नहीं होता, क्योंकि मैलिग्नेंट इन्वेजिव नेचर का होता है, वो फैलता है, और बिनाइन पे कैप्सूल पाया जाता है इसलिए फैल नहीं पाता, ये उसी जगह पर लिमिटेड रहता है. बिनाइन का साइज स्मॉल भी होता है, कई बार लार्ज भी होता है और कई बार बहुत बड़ा भी होता है, और मैलिग्नेंट तो स्मॉल टू लार्ज वेरी करता है. कोर्स बिनाइन जनरली फेटल नहीं होता, बहुत रेयरली फेटल होता है, जानलेवा होता है, जबकि मैलिग्नेंट को अगर आप ट्रीट नहीं करते हो तो वो जानलेवा होता है. बिनाइन वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, एकदम क्लियरली आप उसको पहचान सकते हो, जबकि मैलिग्नेंट वेल डिफ्रेंशिएटेड से लेकर के इल डिफ्रेंशिएशन भी इसमें पाया जाता है. वेल डिफाइंड, मॉडरेटली डिफाइंड और इल डिफाइंड, तीनों तरह का होता है. साइटोलॉजिकल फीचर्स, बिनाइन जो है वो नॉर्मल सेल के जैसा दिखाई देता है, जबकि मैलिग्नेंट में तो वेरिएशन करता है, उसका शेप साइज सब कुछ अलग अलग हो सकता है, जिरनी नॉर्मल सेल जैसा हो. माइटोसिस बिनाइन में नॉर्मली पाया जाता है, जबकि मैलिग्नेंट में माइटोसिस नॉर्मल नहीं होता, वो एबनॉर्मली बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा माइटोसिस पाया जाता है. नेक्रोसिस बिनाइन में अनयूजुअल होता है, मैलिग्नेंट में नेक्रोसिस हेमरेज कॉमनली पाया जाता है. मेटास्टासिस बिनाइन कभी भी मेटास्टासिस शो नहीं करता, जबकि मैलिग्नेंट में मेटास्टासिस होता है. मेटास्टासिस का मतलब तो दूर दूर फैलना, आसपास फैलने के लिए तो इन्वेजन वर्ड यूज़ करते हैं और दूर दूर फैलने के लिए मेटास्टासिस वर्ड अपन यूज़ करते हैं. तो आपके जब ये डिफरेंस पूछा जाए तो ये डायग्राम भी आपको बनाना है, बड़ा अच्छा डायग्राम है जो बिनाइन और मैलिग्नेंट का डिफरेंस. बिनाइन का लियोमायोमा एग्जांपल है, मैलिग्नेंट का लियोमायोसार्कोमा. ये यूट्रस का डायग्राम दिखाया गया है ना फीमेल के अंदर, तो यूट्रस के अंदर ट्यूमर दिखाया गया है कि भाई देखिए बिनाइन स्मॉल वेल डिमार्केटेड स्लो ग्रोइंग नॉन इन्वेजिव नॉन मेटास्टैटिक और वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, जबकि मैलिग्नेंट लार्ज पुअरली डिमार्केटेड होता है, यानी आप उसको अच्छे से पहचान नहीं सकते हो, लाइन ऑफ डिमार्केशन होती नहीं है. रैपिडली ग्रोइंग होता है, हैमरेज और नेक्रोसिस के साथ पाया जाता है. लोकल इन्वेजिव आसपास फैलता है, मेटास्टैटिक दूर दूर भी फैलता है और पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होता है, आप उसको क्लियरली पहचान नहीं सकते. तो ये डायग्राम आपको बनाना है. ये डायग्राम मल्टीपल लियोमायोमा का यूट्रस में क्लियर रियल वाली पिक्चर आपको इसमें दिखाई दे दी है, जो कि मोनोमॉर्फिक स्पिंडल शेप्ड की सेल्स आपको दिख रही है. तो पहले वाले डायग्राम में देखो लियोमायोमा, ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ भी है ना, ये अपन ने सिस्टमिक में पढ़ लिया. ये लियोमायोसार्कोमा, पहला वाला तो लियोमायोमा है और ये लियोमायोसार्कोमा है. यूट्रस के अंदर सॉफ्ट फ्लैशी ट्यूमर मायोमेट्रियम से ओरिजिनेट होता हुआ दिखाया गया है, जिसमें मैलिग्नेंट स्मूथ मसल फाइबर्स का बंडल आपको दिख रहा है. अब डिफ्रेंशिएटेड, तो ये पैरेन्काइमल सेल्स के जैसा होता है, यानी नॉर्मल सेल से रिजेंबल करता है इसकी जो सेल्स है. वेल डिफ्रेंशिएटेड में नियोप्लास्टिक सेल्स जो है वो मैच्योर नॉर्मल सेल्स जिस टिश्यू से ओरिजिनेट हो रही है उसकी नॉर्मल मैच्योर सेल के जैसी दिखाई दे रही है. कि पोल डिफ्रेंशिएटेड या अनडिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर का मतलब क्या होता है कि वो अनस्पेशलाइज सेल जैसी दिखाई देती है, यानी प्रिमिटिव स्टेज में. नॉर्मली वो मैच्योर सेल जैसी नहीं दिखाई देती, प्रिमिटिव स्टेज में दिखाई देती है. प्रिमिटिव मतलब इनिशियल जैसी सेल होती है, इनिशियल जैसी सेल मतलब
जो बच्ची फॉर्म के अंदर है, डॉटर सेल है, जिसको आप पहचान नहीं पाते हो कि ये कहाँ की सेल है। जैसे छोटे बच्चे आप नर्सरी के अंदर कभी लेटे हुए देखो तो उनको आप पहचान नहीं सकते कि ये बच्चा किसका है, आपका खुद का है किसी दूसरे का, वो आप पहचान नहीं सकते। इसलिए बच्चों पर टैग लगा हुआ होता है। प्रिमिटिव स्टेज जो है इमैच्योर स्टेज होती है जिसमें आप पहचान नहीं सकते। तो डिफ्रेंसिएशन का पॉइंट बताया गया है। अब इसमें एग्जांपल दिया गया है, बिनाइन ट्यूमर वेल डिफरेंशिएटेड होता है जैसे लियोमायोमा, जबकि मैलिग्नेंट वेल डिफरेंशिएटेड से लेकर के अनडिफरेंशिएटेड तक हो सकता है। डिफरेंशिएशन की कमी के लिए हम एनाप्लेसिया टर्म यूज़ करते हैं, और ये एनाप्लेसिया मैलिग्नेंसी का हॉलमार्क होती है। मतलब अगर एनाप्लेसिया कहीं दिख रहा है इसका मतलब उसको कैंसर है। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है वो सेल, उसका हॉलमार्क है एनाप्लेसिया यानी लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। तो लैक ऑफ डिफरेंशिएशन में कैसी दिखाई देगी सेल? प्लियोमॉर्फिक दिखाई देगी। प्लियोमॉर्फिज्म मतलब सेल और न्यूक्लियाई का शेप और साइज वेरी करता है। एक ही ट्यूमर के अंदर जो सेल्स हैं खूब सारी वो एक जैसी नहीं होती, कुछ छोटी से लेकर बड़ी सेल तक होती है, कई बार बहुत बड़ी होती है अपने आसपास वाली सेल से, कई बहुत छोटी होती है और कई प्रिमिटिव स्टेज में दिखाई देती है, तो सब अलग अलग दिख रही हैं। दूसरी खासियत एबनॉर्मल न्यूक्लियर की मॉर्फोलॉजी, जिसमें करेक्टरिस्टिकली न्यूक्लियाई जो है उसमें खूब सारा क्रोमेटिन पाया जाता है, इसलिए वो डार्क स्टेन होता है। तो इसके लिए टर्म अपन यूज़ करते हैं हाइपर क्रोमेटिक। सेल के लिए अपन ने शेप साइज अलग है तो प्लियोमॉर्फिज्म, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन ज़्यादा हो जाता है डार्क स्टेन लेता है यानी हाइपर क्रोमेटिक, न्यूक्लियर डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज हो जाता है सेल से, और न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो कितना होता है? 1:4 से लेकर 1:6 तक, और कैंसर में कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है, यानी सेल के जितना ही न्यूक्लियस ग्रो कर जाता है। यहाँ पर ये दिया हुआ है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो कि 1:1 बन जाता है इंस्टेड ऑफ 1:4 से लेकर 1:6 नहीं पाया जाता बल्कि 1:1 हो जाता है कैंसर के अंदर। शेप ऑफन इरेग्युलर हो जाती है इस न्यूक्लियस की, क्रोमेटिन कोर्सली क्लम्ब्ड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलॉन्ग, लार्ज न्यूक्लियोलाई यूजुअली इस न्यूक्लियाई में दिखाई देता है। ये मैलिग्नेंट सेल जो प्लियोमॉर्फिज्म शो कर रही है उसका उसकी पिक्चर है ये। अब माइटोसिस, ये सारे क्या हैं? ये वो पॉइंट्स हैं जो कि बिनाइन और मैलिग्नेंसी को अलग दिखा रहे हैं, सब मैलिग्नेंसी के पॉइंट है। माइटोसिस इंक्रीज हो जाता है भाई मैलिग्नेंसी के अंदर, तो हाईली प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी आपको पैनक्राइमल सेल की दिखाई देती है। मैलिग्नेंट और अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर जो है वो यूजुअली लार्ज नंबर ऑफ माइटोसिस पजेस करता है, खूब माइटोसिस के अंदर पाया जाता है। माइटोसिस की प्रेजेंस हालांकि ज़्यादा जरूरी नहीं है ट्यूमर को इंडिकेट करने के लिए कि ये मैलिग्नेंट है या टिश्यू नियोप्लास्टिक है, क्योंकि वो तो मैलिग्नेंट भी हो सकता है बिनाइन भी हो सकता है। पर मोर इम्पॉर्टेंट फीचर मैलिग्नेंसी का क्या है कि ए टिपिकल बाइजरे मैटोटिक फिगर आपको उसमें दिखाई देगा, कई बार ट्राईपोलर क्वाड्रीपोलर मल्टीपोलर फॉर्म्स माइटोसिस की दिखाई देती है। इंक्रीज माइटोसिस की अदर कंडीशन में रैपिड टर्नओवर होता है सेल का, मतलब बहुत तेज़ी से बनती है, जैसे बोन मैरो की सेल्स होती है उसमें खूब सारा माइटोसिस होता है। ये नॉन न्योप्लास्टिक प्रोलीफरेशन जैसे हाइपरप्लेसिया में भी हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा न्योप्लेसिया का ही पहचान हो माइटोसिस का बढ़ना, कई बार हाइपरप्लेसिया में दिखाई देता है कि उसमें माइटोटिक फिगर बढ़ जाता है, पर हाइपरप्लेसिया कभी भी कैंसर नहीं होता भाई, हाइपरप्लेसिया में सिर्फ सेल नंबर बढ़ रहा है, ये पढ़ाया था ना तब मैंने आपको हाइपरप्लेसिया। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है मैलिग्नेंसी का? लॉस ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी ख़त्म हो जाती है। शीट या लार्ज मास ट्यूमर सेल का दिखाई देता है जो कि बिना आर्क के डिसऑर्गेनाइज फैशन में ग्रो हो रहा होता है। इसके अलावा ट्यूमर जॉइंट सेल बनती है मैलिग्नेंसी में, यानी एक सिंगल सेल में पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस बन जाता है और उसी से बाकी सारी सेल्स बनती है, और उसका न्यूक्लियस दो या दो से ज़्यादा हो सकता है और हाइपरक्रोमेटिक हो सकता है। ये ट्यूमर जॉइंट सेल का एग्जांपल देखो, ये बीच बीच में आपको बड़ी बड़ी सेल्स दिख रही है ना, ये ट्यूमर जॉइंट सेल कहलाती हैं। स्केलेटल मसल का एनाप्लास्टिक ट्यूमर दिखाया गया है जिसको आप रेब्डोमायोसार्कोमा भी कहते हैं, इसमें मार्क्ड सेल्यूलर और न्यूक्लियर
पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई दे रहा है, हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है, ट्यूमर जाइंट सेल दिखाई दे रही है। तो हाइपर क्रोमेटिक ही तो है, देखो सब जगह न्यूक्लियस आपको गहरे गहरे रंग का, हर सेल के अंदर गहरे रंग का न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। प्लियोमॉर्फिक क्योंकि कोई छोटी सेल है कोई बड़ी सेल है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये बहुत बड़ी बड़ी सेल्स ट्यूमर जाइंट सेल्स है। अब इसके अलावा नेक्रोसिस, वैस्कुलर स्ट्रोमा जो है इसमें स्कैंटी हो जाता है, खूब सारे एनाप्लास्टिक ट्यूमर के अंदर लार्ज सेंट्रल एरिया दिखाई देता है जिसमें इश्चेमिक नेक्रोसिस दिखाई देता है। इश्चेमिक नेक्रोसिस यानी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से सेल डेथ। अब डिसप्लेसिया एक टर्म है नियोप्लेसिया से जुड़ी हुई, जिसका मतलब होता है डिसऑर्डर्ड ग्रोथ। डिसप्लेसिया टर्म वैसे आपको फर्स्ट चैप्टर के सेल टिश्यू चेंजेस में जहाँ पर हाइपरप्लेसिया मेटाप्लेसिया पढ़ा था वहाँ पर भी डिसप्लेसिया पढ़ना होता है। इसका मतलब क्या है, डिसप्लेसिया का डिसऑर्डर्ड ग्रोथ मतलब ग्रोथ हो रही है बिना ऑर्डर के, इसमें इंडिविजुअल सेल की यूनिफॉर्मिटी ख़त्म हो जाती है और उसका आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन ख़त्म हो जाता है। यूनिफॉर्मिटी और आर्किटेक्चर ओरिएंटेशन मतलब आप उसको पहचान नहीं सकते किस जगह की सेल है, ये कहाँ की सेल है। एक्चुअली कैंसर को पहचान पाना इसीलिए मुश्किल पड़ता है, उसका डिटेक्शन उसका डायग्नोसिस इसीलिए मुश्किल है क्योंकि कैंसर सेल को आप डिटेक्ट कर भी लो कि ये कैंसर सेल है तो आपको ये नहीं पता चलेगा ये कहाँ की कैंसर सेल है। और कैंसर तो मेटास्टासिस शो करता है, दूर दूर फैल जाता है, आपने किसी जगह से वो कैंसर सेल निकाली तो हमें ये नहीं पता चलता ये कहाँ की कैंसर है। जब पता चले तब तो हम ट्रीटमेंट करें, जब पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ की कैंसर सेल है तो हम ट्रीटमेंट कहाँ से करेंगे। इसलिए डिस्प्लेसिया जो है वो कैंसर सेल की पहचान है कि कैंसर अगर होगा तो उसमें डिस्प्लेसिया भी जरूर होगा। अब डिस्प्लेसिया के फीचर्स वही प्लियोमॉर्फिज्म, हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई, हाई न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, टिश्यू का आर्किटेक्चर डिसऑर्डर हो जाना, माइटोटिक फिगर बढ़ जाना, एबंडेंट हो जाना, अनयूजुअल हो जाना, डिसप्लास्टिक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम के अंदर माइटोसिस जो है वो बेसल लेयर तक कन्फाइंड नहीं रहता बल्कि सभी लेवल्स पर दिखाई देता है, यहाँ तक कि सेल सरफेस पर भी दिखाई देता है। अब डिस्प्लेसिया की ग्रेडिंग देखो, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर डिस्प्लेसिया हो सकता है। माइल्ड से मॉडरेट अगर डिस्प्लेसिया तब तो आप उसको ठीक कर सकते हो, रिवर्सिबल हो सकता है, पर अगर सीवियर है तो प्रोग्रेस होकर के CIS में कन्वर्ट हो जाएगा। CIS टर्म मैंने बताई ना आपको, बिनाइन मैलिग्नेंट के बीच की टर्म है कार्सिनोमा इन सिटू। और अगर CIS अगर हो गया तो CIS का नेक्स्ट स्टेप होता है इन्वेसिव कार्सिनोमा कि आगे वो फैलेगा। CIS का मतलब होता है एक ही जगह पर जो कैंसर रहता है, कार्सिनोमा इन सिटू का मतलब इन इट्स प्लेस और कार्सिनोमा मतलब कैंसर, तो एक ही जगह पर जो कैंसर रह रहा है वो तो कार्सिनोमा इन सिटू। पर CIS को अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो वो आगे जा करके इन्वेसिव कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। बस तो यहाँ पर अपने आज का ये बिनाइन मैलिग्नेंट के टर्म उसके फीचर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और थोड़ा बहुत मैंने CIS का इंट्रोडक्शन भी इसमें दे दिया। इसके अलावा आपको कोई और डाउट हो, बाकी काफ़ी इजी लैंग्वेज थी, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, पर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।